सीएम के निर्देशों का इस तरह हो रहा पालन, तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, हो जाएगा निराकरण, शिकायतकर्ताओं ने लगाया आरोप। हम आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि मामलों का निराकरण शिकायतों के मापदंडों के अनुसार शीघ्र किया जाए। इसी कड़ी में आज रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में आए शिकायतकर्ता श्रीनिवास ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले आप अपनी शिकायत वापस लें, जिसके बाद आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। और मेरी जमीन पर तहसीलदार क्या त्रिपाठी, क्या नाम है यहाँ के, आरपी रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, इनका साफ साफ कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते आपके मामले में, पैसा मांग रहे हैं और लोगों से पैसे लेकर, बड़ा एविडेंस एकदम क्लियर है कि हम गए तो एक सेकंड में वो कर देते हैं और जमीन पे कब्जा नहीं कराते, दूसरे का कब्जा कराया है इनने, इन्हें कब्जा करवाया है नाप करके और झूठे दस्तखत जबरिया ऐसे गोलमोल बना करके कि दस्तखत कर देंगे सर हो गया। हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो कहते हैं आपने शिकायत किया है, आज कहते हैं सीएम हेल्पलाइन से वापस लीजिए तो कर देंगे काम, फिर कहते हैं परसों आ जाइए तो हो जाएगा। तो बाबा आपने 10 साल से आप नापता तो पटवा ली है, एक दिन यहाँ नापता, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, ऐसे क्यों नापता है, 5 बार नापाई हो गई है, तहसीलदार का सिग्नेचर है नापी हुई जमीन में, कब्जा दूसरे को करवा दिया, कहते हैं आप तो शिकायत करते हैं, आप तो शिकायत करते हैं, मेरी 4 करोड़ की जमीन में कब्जा करा दिया, समझ गए ना, कहते हैं कि शिकायत वापस कर लीजिए, और मेरी बेटी गई तो वो कहते हैं नहीं मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता, और दूसरे कहते हैं अनंतपुर में है, वार्ड क्रमांक 10 में अनंतपुर में हनुमान जी मंदिर के पास है, 11 जमीन नंबर 1150 81 RA श्रीनिवास मिश्र के नाम है, नामांतरण है, नक्शा है, खसरा है, सब कुछ है, जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री है, और पैसे लेकर के दूसरों के नाम करा दिया, कब्जा दूसरे किए हैं और हमारी जमीन नपवा करके, ये नहीं कहते यहाँ से जमीन है आपकी, एक पत्थर कटी नहीं है, उखड़वा दिया पुरानी कहलवा करके, वो कहता है हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप तो शिकायत करते हैं, अरे हमने कौन सी शिकायत की भैया, आपसे रिक्वेस्ट करें, और कोरोना काल में मेरा 4 बार यहाँ पेशी किया इनने, इसके बाद भी कोई निराकरण ना, निराकरण किया ही नहीं, जानबूझ के नहीं करते, और आज कह दिया कि हम कोई मदद नहीं कर सकते, सीएम हेल्पलाइन से वापस ले लीजिए तब और मुकदमा दायर कीजिए, मुकदमा चलाइए। मेरा नाम श्रीनिवास मिश्र, मैंने 100 बार बताया आपको। शिविर में कुछ फरियादियों ने आरोप लगाया कि कई मामलों में तो यहाँ के अधिकारियों ने शिकायत निराकृत लिखकर हेल्पलाइन में जानकारी दे दी। इन पूरे मामलों में एक बात देखने में आ रही है कि सबसे अधिक आरोप हल्का पटवारियों पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके पास जमीन का खसरा पट्टा होते हुए भी जमीन दूसरे के नाम लिख दी गई। अब फरियादी अपनी शिकायत लेकर पटवारी व अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। वार्ड क्रमांक 43 चिराहुला रीवा। मामला हमारा है, वोटर लिस्ट में ये जबरदस्ती BLO जो है ना वार्ड क्रमांक 26 में डाल दिया, जबकि मैं रहवासी 43 का हूँ, उसके लिए मैं 4 साल से परेशान हूँ, लेकिन ये छोटे कर्मचारी इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, घुमाते रहते हैं, और जैसे छोटे कर्मचारी बोलते हैं वैसे बड़े अधिकारी बोलते हैं। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से कहना है, प्रशासन तक ये न्यूज़ जाना चाहिए कि जो यहाँ बरसों से कर्मचारी डटे हुए हैं, एक ही कुर्सी पे डटे हुए हैं, इन कर्मचारियों को बहुत बाहर कर देना चाहिए, हटाना चाहिए। अगर यहाँ हटा दिया जाए तो यहाँ काम बहुत सही होने लगेगा। मैं जो सुबह से आया, जो यहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ, अपनी आँखों से देखा हूँ, तो छोटे कर्मचारी सबसे ज़्यादा इसके जो बड़े सब वो तो ठीक है, लेकिन छोटे कर्मचारी इसमें सबसे ज़्यादा हैं, जो पटवारी हैं, RI है, कानूनगो है, BLO है, इनके सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है, तहसीलदार जो भी है, इनको हटा दिया जाए तो ये गंदगी साफ हो जाएगी, और जो सेक्रेटरी भी गांव के होते हैं इनको भी इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक्चुअल में जितने छोटे कर्मचारी उतना पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, अपने रीवा की रीवाही जनता जो है अनपढ़ है, भोली भाली है, इसको गुमराह करते रहते हैं। बोधा वाचो बिलटोला से मामला ये है सर कि 60 साल से रोड चल रही है, 20 साल से WBM रोड बनी हुई है, उसमें पाइपलाइन डली हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और आज भी वो रोड प्राइवेट कहते हैं क्या है, जो कि 60 वर्षों से चल रही है, दूसरी की कोई भी रोड कोई भी व्यक्ति ने नहीं देखा। इसके बारे में मैंने सबके पास, कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, और नगर निगम आयुक्त के पास, मतलब सभी के पास मेरे पास कागज़ भी हैं, सबके मैं यहाँ मैंने
चार से पांच पांच बार शिकायत की है। कितनी शिकायतें आप लेके घूम रहे हैं? हमारे पास कम से कम नहीं तो सबकी शिकायतें छः छः बार सात सात बार मैं सभी अधिकारी से मिल चुका हूँ। सीएम हेल्पलाइन में तो मेरी दिखा चुके हैं आपको, 22 शिकायत मैंने दर्ज करवाई है और ई पोर्टल में मैंने 5 शिकायत दर्ज करवाई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, केस बंद कर दिया गया। क्या कहते हैं यहाँ? कहते हैं कि आपका निराकरण हो गया, बस निराकरण हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई जाता ही नहीं है और कह देते हैं यहीं से बंद कर देते हैं। कहते हैं मोबाइल मैसेज आ जाता है कि आपके इस नंबर का निराकरण हो चुका है। तो आपका कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी उसका मतलब दुरुपयोग किया जाता है? भाई बिना पूछे कैसे बंद कर देते हैं मेरे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत? जब शिकायत मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ तो मेरे ही मोबाइल से ना बंद होनी चाहिए। कोई निराकरण नहीं, निराकरण कुछ नहीं हो रहा है और मेरी 22 से शिकायत बंद कर दिया सीएम हेल्पलाइन से। पूरे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है सर, सबका निराकरण लिख दिए। आप यहाँ के तहसील हुजूर के स्टाफ से तहसीलदार सर पटवारी जो थे, आप उनसे संतुष्ट हैं क्या उनके कार्यों से? जी सर, मैं उनके कार्यों से पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ और मेरा पूरी तरीके से समस्या सुनी गई एचडीएम मैडम फरीन खान मैडम द्वारा। और आपको पूरा समय दिया गया क्या? जी सर, पूरा समय दिया गया, मेरी पूरी विधिवत बात सुनी गई, सीएम जो है हेल्पलाइन की समस्या का मेरा पूर्ण निराकरण किया गया, मैं पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ। चलिए धन्यवाद। वहीं एसडीएम फरीन खान ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आज यहाँ पे तहसील परिसर में कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जितनी भी सीएम हेल्पलाइन हमारी आईडीज पर पेंडिंग है उसके निराकरण के लिए शिविर लगाया गया है। यहाँ पर जितने भी शिकायतकर्ता थे उन सभी को बुलाया गया है। उनके यदि कोई दस्तावेज कम थे उनके प्रकरणों में तो उसका निराकरण किया जा रहा है। यदि किसी का फील्ड विजिट है, किसी का सीमांकन है, ऋण पुस्तिका है तो उसकी शिकायतें उनको यहाँ बुला करके संतुष्टि से मांगा जाएगा। आरोप है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ उनको बोल रहे हैं कि आपका जिसका काम हो जा रहा है वो तो खुद संतुष्टि से बंद कर दे रहा है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो संतुष्टि से बंद कर दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती, बिल्कुल नहीं, देखिए फोन तो उन्हें खुद ही लगाना है, अब जब तक वो कॉल नहीं करेंगे तो थोड़ी होगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है सी एम एल पैन की शिकायत करता अपने आप ही बंद करता है शिकायत। हम केवल उनको समझा रहे हैं कि यदि उनका प्रकरण जिस तरीके से निराकृत हो सकता है उसका उनको सही एडवाइस देने के लिए बुलाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण इस टाइप के हैं जैसे न्यायालयीन प्रकृति के हैं, उसका निराकरण अगर वो एप्लीकेशन लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, वैसा भी कर रहे हैं हम। और यदि सी एम हेल्पलाइन के माध्यम से डिस्पोज हो सकता है तो हम वैसे भी डिस्पोज। अभी तक कम से कम 10 आवेदक या शिकायतकर्ता जो है वो संतुष्टिपूर्वक अपनी शिकायत बंद कर चुके हैं और अभी काफ़ी सारे शिकायतकर्ता बाहर वेट कर रहे हैं। ये आज लगाया गया है, अगर आज का हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम इसको नेक्स्ट सैटरडे फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारी तहसील की मिलाएंगे तो राजस्व की लगभग 200 शिकायतें हैं, सीमांकन की 40 शिकायतें हैं, भू अर्जन की 5 शिकायतें हैं, इस तरह की।